गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर लोगों में पर्यावरण के प्रति जन जागृति हो, इस उद्देश्य से शनिवार को कांग्रेस की ओर से आंदोलन कर लोगों में जन जागृति की गई। इस संदर्भ में प्रभाग क्रमांक 33 के नगर सेवक मनोज कावंडे ने अधिक जानकारी साझा की। पर्यावरण से ही हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, प्राकृतिक वनस्पतियां आदि प्राप्त होती है, लेकिन इसके विपरीत आज लोग अपने स्वार्थ और चंद लालच के लिए जंगलों का दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, साथ ही भौतिक सुख की प्राप्ति हुए प्राकृतिक संसाधनों का हनन कर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कांग्रेस की ओर से आंदोलन कर लोगों में जन जागृति की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के नगर सेवक मनोज कावंडी, मनीषांत सांदीकर समेत अन्य लोग मौजूद थे। आंदोलन यानी हम ये पर्यावरण की जन जागृति के लिए ये कार्यक्रम ले रहे हैं। आज का जो शुभ दिन है 2 अक्टूबर, जो दो महान देशभक्त हो गए, परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान यह नारा देकर देश को जो एक हिम्मत बढ़ाई थी, आज उन महात्माओं के जन्मदिन के उपलक्ष में हम पर्यावरण की जो जागरूकता है, क्योंकि आपने कोरोना काल में देखे हैं कि पर्यावरण ऑक्सीजन जो पर्यावरण से हमें मिलता है उसकी कितनी नितांत आवश्यकता पड़ी और आज भी वो निःशुल्क हमें मिलता है। पर्यावरण पर हमारा जीवन पूरी तरह निर्भर है, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। पर्यावरण जीवन जीने के लिए उपयोगी वो सारी चीजें हमें उपहार के रूप में उपलब्ध करवाता है, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज, नागपुर।